नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि विलास एक बार। दोस्तों जैसे कि ये जो ये टूट जाते हैं गियर टाइमिंग जो केम साफ्ट वाला है, और ये वाला भी टूट गया था। ये बहुत से कारण होते हैं टूटने के, तो मैं बताऊंगा कुछ उसमें से कारण आपको। तो फिलहाल तो हम इसको हम चेंज करने वाले हैं, वो कारण मैं आपको बता दूंगा किस कारण टूटते हैं ये। इसके बाद ये जो नया है इसको हम लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसको निकालना होगा, क्योंकि ये जो बहुत टाइट होता है, तो हम इस क्या करते हैं ऐसे कुछ जुगाड़ करके इस यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ठोकर मारी जाती है साफ्ट में, और हमने लाइनर रख सकते हैं जिससे थोड़ा सा ठोकर जो है मार सकें हम। तो चलिए मैं ये निकालता हूँ, इसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसे आपको निकालना है। तो दोस्तों आपने देखा मैं कैसे इसको ऐसे ही निकाला जाता है, इस साइड से ठोकर मार के। इसमें चाबी वाबी कुछ नहीं होती, देख रहे हो ना, इसमें चाबी वाबी कुछ नहीं होता। ये होता है बुश जो केम साफ्ट जो लॉक करता है। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब इसको ये साफ्ट को जो है लगाने वाले हैं। इसमें आपको दिखाऊंगा कैसे इसको लगाई जाती है, और इसमें कुछ प्रोसेस होता है जो आपको लगाने के पहले ध्यान देना होता है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसको लगाना है। एक किलोग्राम मम्मी ला ले। का प्रोसेस समझाऊंगा कैसे आपको लगाना है इसको। सो देखिए, ये जो ये देख रहे हैं ना, ये जो कट होता है, ये मतलब ऐसे आपको रखना है कि ये जो इसके सामने आए किसी भी खांचे में, ऐसा नहीं कि खांचा पर, ये खांचे में और ये आमने मतलब बिल्कुल सामने होना चाहिए ऐसे ही करके। तो ऐसे ही हम इसको टाइट कर देंगे, और इसमें कुछ नहीं होता, बस अब इसको ठोकर मार के हम अच्छे से टाइट कर देंगे। इसके बाद हमने जो इसका है ना, ये अच्छे से इस तरफ ठोकर मार के कि मतलब किसी चीज़ में जिससे ये ख़राब ना हो। तो इसके बाद ये जो इसको हमने टाइट कर दिया है, देखिए इतना टाइट करना है ये घूमता रहे और ज़्यादा गैप भी ना हो। इसके बाद हम इसका गवर्नर जो है तितली वाला सिस्टम डालते हैं। दादा तुम बना हुआ अपने हिसाब से, हाँ देख मुँह दिखा दो। तो ये भी चेंज करेंगे हम ये सब पूरा सिस्टम। इसके बाद एक छर्रा डाला हमने, इसके बाद ये न्यू ये कहा तितली नाम अलग अलग हो, तितली गवर्नर बेड कटे तो नहीं। हाँ कोनो दिक्कत नहीं है। इसके बाद इनको लॉक लगा देना है, और एक बार इस ये जो ऐसे ना इसको चेक कर लें कि गवर्नर बेड जो है ना, ये गैप जो है इसका बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया, तो इस चीज़ को हमेशा चेक कर लें। तो ये सही है, इसका जो गैप है ना, ये होल कटा नहीं है ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे कि इन्हें ऐसे ही लगा देते हैं। तो मैं इनको लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मैं खूब बनाए रंजीत के की जिज्जू के यार बना लाए।
हमने इसको इसके बाद ये जो कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद जो गवर्नर की स्प्रिंग होती हैं वो मैंने स्प्रिंग लगा दी हैं, और ये जो लॉक होते हैं ना इनको ऐसे ठोकर मार दिया जाता है जिससे निकले ना चलते हुए, तो ऐसा ही आपको करना है। तो ये जो है ये कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसे ही आपको डालना है। उसके बाद टाइमिंग का वीडियो है मेरे में, अगर आपको टाइमिंग नहीं पता तो टाइमिंग का वीडियो आप देख लेना, और इसके बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे न्यू वीडियो आपको मिल सके तो रेड कलर का जो बटन है उसको दबा देना, जिससे हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब हो जाएगा, और बेल आइकन को दबा देना ऑल पे, जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्ध विलास रेखवा। दोस्तों बहुत से कमेंट आ रहे थे कि इंजन की जो स्पीड है अपने आप बढ़ जा रही है, जैसे हम इंजन स्टार्ट करते हैं तो एकदम इंजन की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि दिक्कत हो जाती है, इंजन जो है जल्दी ख़राब होने का खतरा बना रहता है। तो मैंने सोचा आपको ये सब अच्छी जानकारी देता हूँ कि आपके अगर इंजन के साथ ऐसा हो रहा है तो आप इसको आप कैसे सही कर सकते हैं। तो दोस्तों यही होता है, जो इंजन की अगर स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो रही है तो जो गवर्नर की तितली होती है वो तितली टूट जाती है या खराब हो जाती है, या जो उसके हल्का सा टेपर होता है वो सीधे हो जाते हैं, तो जो या तो फिर कभी कभी गवर्नर बेड भी अटकने लग जाते हैं, तो उस केस में भी जो गवर्नर है वो काम करना बंद कर देता है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल तरीका है, आपको खोल लेना है कैमशाफ्ट। आप क्या करना है कि ऊपर का टैपेट कवर खोल लेना है, इसके बाद पुश रॉड निकाल लेने हैं, कि पंप का पल्ला खोल लेना है, और पंप का पल्ला खोलने के बाद आपको क्या करना है, एक बॉडी में 18 नंबर का नट लगा होगा, अगर ऑयल वाला है तो ऑयल की नली भी वहीं पे लगी होती है, और बायरिंग वाला है तो उसमें कुछ नहीं होता, केवल नट होता है, तो आपको उसको निकाल लेना है। इसके बाद जो है केम निकल आएगी बाहर, और केम निकलने के बाद बाकी मैंने आपको दिखाई दिया आपको कैसे उसको रिपेयर करना है। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना।